Hello everybody, welcome back with a new and exciting video with Technical Away YouTube channel. So guys, आज हम बात करने वाले हैं bonuses के बारे में. So guys, bonuses क्या हैं? जब भी आप किसी भी binary application पे register करते हैं किसी broker के through, यानी आप अगर कोई भी application है जहां पे register करते हैं तो वहां पे आपको एक introduce कराई जाती है bonus नाम की term. लेकिन आपको नहीं पता होता है इसके फायदे और नुकसान क्या है. हालांकि आपको बस इतना पता होता है जब आप उसको यूज करेंगे तो आपका जितना डिपॉजिट होगा उसमें 100% आपको बोनस मिल जाएगा या 50% बोनस मिल जाएगा. लेकिन कभी भी आपके दिमाग में ये चीज आई कि जब आप इसे यूज करेंगे तो कंपनी का इससे क्या फायदा होगा, वो आपको क्यों 100% बोनस यहां पे प्रोवाइड कर रही है, ये चीज आपको नहीं पता. दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब आप बोनस लेते हैं तो वहां पे नीचे छोटे छोटे अक्षरों में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है. क्या कभी आपने उसे पढ़ा है? मुझे नहीं लगता आपने पढ़ा होगा अगर आप बोनस यूज करते हैं तो वहां पे छोटा सा टिक का एक ऑप्शन आता है, टिक करके आप आगे पेज पे चले जाते हैं. लेकिन उसके फायदे आपको पता है कि आपको 10% बोनस मिलेगा या 100% बोनस मिलेगा, बट नुकसान आपको नहीं पता. और वो ही आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या इसके पीछे का सिनेरियो रहता है, क्या इसके पीछे का जो बेस है वो वर्क करता है, किस तरीके से अगर यहां पे आपने बोनस लिया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. जैसे थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे. लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा गाइस, अभी तक अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, जाना है टेलीग्राम पे, अभी ज्वाइन हो जाना है. दूसरी चीज, वीडियो देखना लास्ट तक, मजा जरूर आने वाला है. क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लाइव डिपॉजिट करके. लाइव डिपॉजिट करेंगे हम बाइनमो एप्लीकेशन में, वहां पे हम लेंगे एक बोनस का यूज करेंगे और बोनस का यूज करने के बाद वहां पे हम उसको विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ रिक्वेस्ट डालेंगे, देखते हैं क्या हमारे सामने आउटकम निकल के आता है. लास्ट तक देखना, मजा जरूर आएगा. चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं. हेलो एवरीबॉडी, गाइज आप हैं हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे. आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इंटरफेस, ये इंटरफेस है बाइनमो एप्लीकेशन का. तो जैसे ही आप बाइनमो एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे ये इंटरफेस आपको मिलने वाला है. फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हुए हैं ग्राफ में, बाकी अगर आप सिंपली इसे डाउनलोड करेंगे तो कुछ चेंजेस आएंगे. यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का आपको खुलेगा, ठीक है. यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस कर रखे हैं, तो बाकी अगर आप ये नहीं करना चाहें, आपको नहीं समझ आता है, तो आप मत कीजिए. मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है. अब इसके बाद गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिपॉजिट करके, लाइव डिपॉजिट करेंगे हम, और डिपॉजिट करने के बाद बोनस के साथ डिपॉजिट करेंगे और देखते हैं जब हम उसमें विड्रॉ की रिक्वेस्ट डालते हैं तो क्या होता है. सो गाइस, मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप जो बोनसेस यूज़ करें. क्यों? इसका कारण क्या है, इसके पीछे वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा. तो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रियल अकाउंट जो है ये मेरा, यहाँ पर आप जो बैलेंस है देख पा रहे होंगे $691, ये है. लेकिन यहाँ पे मैंने कोई बोनस यूज़ नहीं किया है, ठीक है. अब हम इस अकाउंट में नहीं जाएंगे, हम एक दूसरे अकाउंट में लॉगिन करेंगे, दूसरे अकाउंट में लॉगिन करेंगे और वहाँ पे हम एक नए तरीके से, नए सिरे से हम डिपॉजिट करेंगे और फिर विड्रॉ लेंगे. हे एवरीबॉडी, गाइज आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे अभी बाइनमो लॉगिन है, और ये जो स्क्रीन है ये मेरी वेब की स्क्रीन है. आपने थोड़ी देर पहले देखी थी मेरे मोबाइल की स्क्रीन, अब जो देख पा रहे हैं वो वेब की स्क्रीन है, जो मैं मल्टीपल तरीके से आपको दिखा रहा हूँ चीज़ों को. तो अब ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूली अकाउंट मैंने लॉगिन किया हुआ है, नया अकाउंट लॉगिन किया है. जो लास्ट प्रीवियस अकाउंट मैंने आपको दिखाया था वो नहीं है, ताकि मैं आपको पूरा डेमोस्ट्रेशन दिखा सकूँ इस एप्लीकेशन का. सो गाइज, यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है फर्स्ट डिपॉजिट बोनस. सो गाइज, यहाँ पे जब भी आप एक्सेस करेंगे इस एप्लीकेशन को, फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेंगे, तो ये आपके सामने आने वाला है फर्स्ट टाइम डिपॉजिट. तो ये लोग क्या करते हैं, जब भी आप एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे आप 25% बोनस ले पाएंगे. 25-25% बोनस आपको ऑफर किया जाता है यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं. और ये जो ऑफर है एक्सपायर हो जाएगा 25 मिनट्स के अंदर, तो कभी भी यहाँ पे एक्सेस नहीं करना है, इसको यूज़ नहीं करना है. दूसरी चीज़, आप यहाँ पे ऑप्शंस देख पा रहे हैं, 3-4 ऑप्शन साइड में दिए हैं. टूर्नामेंट का दिया है, एलिगेटर का दिया है, यानी इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिया है, जो कि मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ. देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या यूज़ है इस एप्लीकेशन का, क्या क्या कर सकते हैं इससे. ऊपर आप देख पा रहे हैं डेमो अकाउंट अभी मेरा लॉगिन है, जिसमें $1000 है, जो कि कुछ काम के नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि हम डेमो में नहीं जाएंगे, हम रियल अकाउंट में ट्रेड करके दिखाएंगे आपको. पहले डिपॉजिट करूंगा, रियल फंड हम डिपॉजिट करने वाले हैं. यहां पे $15 हम डिपॉजिट करेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से 15 का हम $30 करने वाले हैं, यानी हम 100% बोनस कूपन का यूज करेंगे, जो आपको ईजिली मिल जाएंगे गूगल वेब पे या किसी भी एप्लीकेशन पे. यानी बहुत सारी ऐसे जगह है जहां पे आपको 100% तक के भी कूपन मिल जाएंगे, लेकिन क्यों यूज़ नहीं करने चाहिए ये आपको पता लगेगा. तो यहाँ पे डेमो अकाउंट देख पा रहे हैं, इसके साइड में आप एक ऑप्शन देख पा रहे हैं ऐड फंड्स का. तो यहाँ पे भी एक मिस्ट्री है इस एप्लीकेशन के साथ, एक प्रॉब्लम है, वो ये
कि इस एप्लीकेशन में यहाँ पे ऐड फंड्स में स्किल का एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो मैं अपने रिव्यू में दूँ, अगर मैं अपना रिव्यू दूंगा इस एप्लीकेशन पे, तो सबसे बेकार जो पॉइंट मुझे लगा, जो सबसे सही नहीं है, वो ये यहाँ पे स्किल का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। रियल अकाउंट आप देख पा रहे हैं, रियल अकाउंट का जो बैलेंस है वो $0 है अभी, और हम अभी रियल अकाउंट को ही एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे रियल अकाउंट पे कर देता हूँ मैं क्लिक, तो गो टू ट्रेड पे कर दिया। यहाँ पे देखिए रियल अकाउंट, अब मैं लॉगिन में जो है रियल अकाउंट आ गया है। यहाँ पे टाइम जो है आप सेट कर सकते हैं, साइड में ऑप्शन है, अमाउंट भी सेट कर सकते हैं। आपको इंटरफेस से आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे बायनमो की, अगर आप इसे यूज़ करते हैं। अब हम जाने वाले हैं ऐड फंड्स पे और इसमें फ़ंड ऐड करेंगे और देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे जो है फ़ंड ऐड करके आपको कितने सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है। अगर आप बात करते हैं टर्म्स ऑफ मेथड्स की, तो पेमेंट मेथड्स कितने सारे प्रोवाइड करता है विड्रॉ के लिए या फिर डिपॉजिट के लिए बैनमो, वो सारे डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ कि यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा वो ये कि यहाँ पे जो एसेट्स प्रोवाइड करता है बाइनरी ऑप्शंस के लिए, जो ट्रेड करने के लिए बाइनमो, वो बहुत ही कम है, नंबर्स में बहुत ही कम है बाकी सारी एप्लीकेशंस के लिए अगर कंपैरिजन में जाएँ तो। तो यहाँ पे जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया है, जहाँ से हम कर सकते हैं इन्वेस्ट। डिपॉजिट करने के लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है, जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं। मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड या मेस्ट्रो, JCB जो हमें पता नहीं, हम यूज़ नहीं करते। दूसरा ग्लोबल पे अच्छा ऑप्शन है जो कि हाल ही में ऐड हुआ है और अच्छा ऑप्शन है। इंडियन एक्सचेंजर और नेटलर भी एक अच्छा ऑप्शन है। आपको यहाँ पे अगर हमारा देखा जाए पेयर और नेटलर और मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड, ये ऐसे ऑप्शन हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं विड्रॉ के लिए या डिपॉजिट के लिए। बाकी बात करें स्क्रिल की, तो मुझे समझ नहीं आता यहाँ पे स्क्रिल का एक ऑप्शन क्यों नहीं ऐड किया गया इस एप्लीकेशन में। पहले शायद एप्लीकेशन में था स्क्रिल का ऑप्शन, जहाँ तक कि शायद मुझे याद है, बट अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम जो डिपॉजिट करने वाले हैं वो करेंगे वीज़ा या मास्टर कार्ड से। इसके पास में ही एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं विड्रॉ फंड्स का, जहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, कोई भी अभी तक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं है। अकाउंट टाइप्स यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, VIP का भी एक अकाउंट टाइप है यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है OlympTrade एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी एक VIP एक्सेस आपको दिया जाता है। यहाँ भी एक VIP एक्सेस है, जो कि आप ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो आपको VIP एक्सेस मिलता है, ठीक है। अब जो डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करने के लिए हम जो अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, जो $15 का अमाउंट है, जहाँ पे पहले मैं $13 कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं $15 का, देखते हैं किस तरीके से अगर मैं यहाँ पे डिपॉजिट का जो फंड है उसे रेज करता हूँ तो क्या मेरे जो बोनस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो पहले $12 पे हम ट्राई करते हैं, $12 पे। तो यहाँ पे देखिए विल बी क्रेडिटेड में $12 आ रहा है, लेकिन अगर मैं कूपन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक कूपन है 100% बोनस वाला, तो मैं वह यहाँ पे डाल के देखता हूँ कि क्या वो कूपन रियली अप्लाइड होता है या नहीं, जो कि मुझे बहुत ही ईजिली मिला और ये अप्लाई भी हो चुका है कूपन, जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं कूपन अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे जैसा कि आप नीचे चेक कर पा रहे हैं विल बी क्रेडिटेड में $24, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी कि अगर मैं $12 यहाँ पर डिपॉजिट करता हूँ तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे $24। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये जो कंपनी है, ये जो ब्रोकर है, हमें $12 के बदले $24 क्यों दे रहा है, उस कंपनी का इसमें क्या फ़ायदा है। तो वो डेफिनेटली लास्ट में आपको पता लगेगा कि क्यों ऐसा वो करते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्रेडिट कर लेते हैं $15। क्रेडिट करने के लिए आपको पता ही है $15 यहाँ पे मैंने लिख दिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि लिखना कंपलसरी है, आपको लिखना ही पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ है नीचे देखिए, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड का एक ऑप्शन सेलेक्टेड है, आप चाहें तो आप दूसरा ऑप्शन भी जो है कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस आपको बता दिए मैंने क्या क्या है। नेटलर एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए, आपको ये भी पता होगा स्क्रिल से हम नेटलर में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं पैसे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखते हैं यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने एंटर कर दी है। यहाँ पे 3D सिक्योर पिन का हमेशा से पंगा रहता है, एक वेरिफिकेशन कोड जाता है OTP, और वो OTP से हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपकी कार्ड डिटेल्स मांगी जाती है, लेकिन आपको पता ही होगा यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल न्यू एकदम नए तरीके से करके दिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग से चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल एप्लीकेशन में पहले मतलब ID जो लॉगिन की है बिल्कुल न्यू ID है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ मुझे दोबारा करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पे मुझे कार्ड की जितनी सारी डिटेल्स हैं मुझे वापस एंटर करनी होगी। तो यहाँ पे मैं कार्ड की डिटेल्स एंटर करके यहाँ पे 3D सिक्योर पिन जो हमारे OTP जाता है हमारे फ़ोन पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो डालने के बाद आपको पता है आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे इंटरनेट पे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे 15% ऑफ का, यानी 15% कैशबैक का, 15% बोनस का, 25% बोनस का, 50% बोनस का, इवन 100% बोनस का, जो कि मैंने आपको डेमो दिया है 100% बोनस पे। इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं बायनमो के लिए, अगर आप
यहाँ पे बायनमो में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप यूज़ करने से पहले ये सोचते नहीं हैं कि उसका फ़ायदा या नुकसान क्या होने वाला है। यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं स्क्रीन, ओटीपी आ गया है और ओटीपी यहाँ पे सबमिट करने जा रहा हूँ, जिसके बाद हमारा जो रियल अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाएंगे $30 यानी $15 हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट है वो, और $15 इसमें जो हमारा क्रेडिट होगा वो होगा बोनस। तो यहाँ पे अब रियल अकाउंट में आप चेक कर पा रहे होंगे बैलेंस $30 का आ गया है, यानी किस तरीके से यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा दिया है। लेकिन अभी हमने डिपॉजिट किया है बोनस के साथ, अब क्यों नहीं करना है बोनस के साथ डिपॉजिट ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो $15 हमने यूज़ किए हैं वो एटलीस्ट वेस्ट ही हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्या रीज़न है उसके पीछे वो अभी आपको पता लग जाएगा लास्ट तक वीडियो अगर देखेंगे। तो अब यहाँ पे इंटरफेस जो खुल गया है वो मेन इंटरफेस खुल गया है जहाँ पे हम ले सकते हैं ट्रेड। यहाँ पे अब हम एक ट्रेड लेके दिखाएंगे, क्योंकि एक ट्रेड लेने से पहले हम उसको विड्रॉ नहीं ले सकते। एक ट्रेड लेंगे फिर हम उसका विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट प्रोसेस करेंगे और देखते हैं कि आउटकम क्या निकल के आता है, बायनमो की तरफ से हमारे पास क्या रिप्लाई आता है। तो यहाँ पे अभी हम एक ट्रेड लेने वाले हैं रियल अकाउंट में। यहाँ पे आप चेक कर लो आराम से, यहाँ पे रियल अकाउंट है, डेमो अकाउंट अभी तक नहीं ओपन है। तो हम रियल अकाउंट में यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। डेमो अकाउंट में देखिए $1000 है, रियल में $30 है। तो रियल अकाउंट में ट्रेड लेंगे और उसके बाद देखते हैं, अगर हारे जीते नो प्रॉब्लम, बट हम विड्रॉ लेके जरूर देखेंगे कि विड्रॉ रिक्वेस्ट क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम विड्रॉ यहां से ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है मैं $2 की सेलेक्ट कर लेता हूं, $2 की इन्वेस्टमेंट पे हम ट्रेड लेंगे और यहां पे कोई स्ट्रेटजी मैंने फॉलो नहीं की है किसी भी तरीके की, सिर्फ जो ट्रेड लेंगे बिल्कुल रैंडम बेसिस पे लेंगे। यहां पे कोई स्ट्रेटजी मैंने फॉलो नहीं की है या कोई मैंने इंडिकेटर यहां पे अप्लाई नहीं किया है। तो अब देखते हैं किस तरीके से आप क्या होता है यहाँ पे, किस तरीके से ट्रेड का जो रिजल्ट रहता है वो चेक करेंगे। तब तक कि यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे, तो आप जाके यहाँ पे ऑप्शन से टूल्स के ऑप्शन में जाके आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, एलिगेटर या जो भी इंडिकेटर RSI या जो भी आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेशन ये रहेगा मेरा कि आप जो भी इंडिकेटर यूज़ करें, कुछ भी करें, बट बोनसेस यहाँ से ना लें। बोनसेस के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं कंपनीज़ में, खास करके ऐसे ब्रोकर्स जो आपको 100% बोनस तक भी प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके बाद क्या होना है। बोनसेस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं आपको, आप यूज़ कर लेते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस रीड नहीं करते और आपको ये नहीं पता कि इतना बोनस यूज़ करने के बाद यानी 100% बोनस यूज़ करने के बाद विड्रॉ आपका कितने डॉलर्स पे मिलेगा। तो वही चीज़ है, अब ये जो ट्रेड है ऑलमोस्ट जो लगता है कि ये वाली ट्रेड हम हारने वाले हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये जो ट्रेड है अब लगा रखी है 1 मिनट की शायद सिलेक्टेड है और जो रैंडम बेसिस पे मैंने ये ट्रेड ली थी, जैसा कि आपको मैंने कहा किसी तरीके की स्ट्रेटजी इस पे नहीं अप्लाई की गई है। बाकी आपको भी पता है अगर विदाउट यहाँ पे हम एक भी ट्रेड नहीं लेते हैं तो हम जो है विड्रॉ रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एक ट्रेड लेने के बाद हम विड्रॉ रिक्वेस्ट को जो है प्रोसेस कर पाएंगे, कर सकेंगे कि किस तरीके से विड्रॉ यहाँ पे हम डाल सकते हैं। जैसा कि आप ये ट्रेड देख पा रहे हो, ये ऑलमोस्ट वी आर लूजिंग दिस ट्रेड, हम ये ट्रेड हार चुके हैं, नीचे देखिए रिजल्ट आ गया है। तो ये ट्रेड हम लॉस में गए हैं। अब यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं, अब हम जाएंगे यहाँ पे ऐड फंड वाले ऑप्शन पे। हमारा जो टोटल अकाउंट का बैलेंस है वो हो गया है $28 रियल अकाउंट का बैलेंस है और अब हम एलिजिबल हैं विड्रॉ लेने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम एक जो है ट्रेड हार गए हैं। हालांकि मुझे पता है हमारा बोनस अगर नहीं विड्रॉ हो पाता तो हमारा एक्चुअल अमाउंट एटलीस्ट विड्रॉ हो जाना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। अब यहाँ पे मैं विड्रॉ फंड्स पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये इसी चीज़ की मैं आपको बात कर रहा हूँ, यू हैव एन एक्टिव बोनस इन योर अकाउंट ऑफ $15। तो आपको क्या करना है, यू नीड टू अचीव ट्रेडिंग टर्नओवर इन द अमाउंट ऑफ $598.48 बिफोर यू विड्रॉ। इट मीन्स गाइस सीधी सी बात है, $598 यानी $600 जब अपने अकाउंट में आप कर लोगे उसके बाद आप यहां से विड्रॉ ले सकते हो, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं ले सकते। रीजन बायनमो ने हमें रीजन क्या दिया है, रीजन ये दिया है कि हमने $15 का बोनस लिया है। सो गाइज $15 के सिर्फ बोनस की वजह से यहां से आप विड्रॉ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये टर्नओवर कवर करना ऑलमोस्ट क्या नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। आप $15 से $598 नहीं कर पाओगे, ये तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है $15 से आपको $600 करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा और बहुत ही ट्रेडर्स बहुत ही कम होगा जो एक आधा होगा जो इतना अचीवमेंट कर पाएगा, तो उसके बाद आपको यहां से जो है विड्रॉ मिलता है। तो यही चीज की मैं बात कर रहा हूं गाइस, यहां से बहुत बड़ा फ्रॉड रन हो रहा है, तो यहां पे इस स्कैम में ना पड़े यार आप, कम एटलीस्ट ये जो स्कैम है बोनसेस का स्कैम है यहां पे आप ना पड़े, यही मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों को, बोनसेस ना यूज करें। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पूरा मैंने करके दिखाया है, अवेयरनेस है यार आप लोगों के लिए, जो बोनसेस यूज करते हैं उनको विड्रॉ नहीं मिलता है, फिर आप लोग कहते
करते हो कि विड्रॉ क्यों नहीं मिल रहा है, उसका रीजन साफ साफ है, आपने देख लिया स्क्रीन पे। कहीं भी बोनस यूज करते हो तो टर्म्स एंड कंडीशन जरूर रीड करो, उससे पहले आप बोनसेस मत यूज करो। चलिए गाइस, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं यार पसंद आई होगी वीडियो। कोई क्वेरी है तो रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हुए तो यार ज्वाइन हो जाओ, थम्सअप तो मुझे लगाता है अभी तक आपने कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा यार, कमेंट कर दो अच्छी सी। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ।